दोस्तों चेन्नई वालों ने एक बार फिर कमाल कर दिया और चेन्नई एक्सप्रेस आईपीएल 2024 में अपने नए रंग में नजर आने वाली है। और सीएसके फ्रेंचाइजी ने सीजन शुरू होने से पहले चार खतरनाक विदेशी खिलाड़ियों को शामिल करने का ऐलान भी कर दिया है। यानी कि दोस्तों जिसका हमें काफी दिनों से इंतजार था कि सीएसके फ्रेंचाइजी की प्लेइंग 11 में आखिरकार कौन से चार विदेशी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, तो इस पर सीएसके मैनेजमेंट ने कंफर्म करके सारी मनगढ़ंत कहानियां समाप्त कर दी हैं। और हम इस पूरी वीडियो में इन्हीं चार विदेशी खिलाड़ियों को लेकर फुल डिटेल में बात करने वाले, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों चेन्नई की फ्रेंचाइजी में खतरनाक विदेशी खिलाड़ी मौजूद है जिसमें रचिन रविंद्र डैनियल मिचेल के अलावा मुस्तफिजुर रहमान हाल ही में सीएसके फ्रेंचाइजी का हिस्सा बन चुके हैं। और आने वाले सीजन में आपको चार खतरनाक विदेशी खिलाड़ी चेन्नई की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों महिषा पाथीराना को लेकर भी चेन्नई ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है, तो आइए फटाफट चार विदेशी खिलाड़ियों को लेकर जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी दोस्तों क्रिकेट की अपडेट और सटीक टीम प्रेडिक्शन फ्री में पाकर मेगा ग्रैंड लीग के सुपर हीरो बनना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। और वापस हम अपने मुद्दे पर बात करते हैं, तो दोस्तों चेन्नई की प्लेइंग 11 में पहले विदेशी खिलाड़ी तो डीवोन कोन में ही है जो हमेशा आपको चेन्नई की प्लेइंग 11 में खेलती हुई नजर आती है, जो चेन्नई में एज अ ओपनर खिलाड़ी के तौर पर शामिल होते हैं, जिन्होंने पिछले 2 सालों में चेन्नई की प्लेइंग 11 में अपनी जड़ें काफी गहरी की हैं। और डीवोन कोन में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर चेन्नई की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों महिषा पाथीराना और मुस्तफिजुर रहमान में से किसी एक को प्लेइंग 11 में मौका मिलने वाला है और ज्यादातर उम्मीद है कि सीएसके फ्रेंचाइजी मुस्तफिजुर रहमान को अपनी प्लेइंग 11 में शामिल करने की तैयारी में, क्योंकि महिषा पाथीराना गेंदबाजी के लिए अभी पूरी तरह से फिट नहीं हो पाए और आपको मुस्तफिजुर रहमान ही घातक गेंदबाजी के रूप में चेन्नई की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। जबकि दोस्तों तीसरे ओवरसीज प्लेयर के रूप में आपको महेश तीक्षणा खेलते हुए नजर आएंगे जो कि एक स्पिन गेंदबाज है और अपनी स्विंग करती हुई गेंदबाजी से तबाही मचा सकते हैं। हालांकि दोस्तों चेन्नई की स्क्वाड में रचिन रविंद्र मिचेल सेंटनर भी मौजूद हैं, लेकिन मिस्टर कूल एम एस धोनी के नजरिए से महेश तीक्षणा ही आपको प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। तो वहीं दोस्तों चौथे ओवरसीज खिलाड़ी चेन्नई के डैरेन मिचेल होंगे जिन्हें चेन्नई ने मिनी ऑक्शन में मोटी रकम देकर अपनी फ्रेंचाइजी से जोड़ा है और डैरेन मिचेल नंबर 4 पर आपको चेन्नई की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे। और चेन्नई ने अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही डैरेन मिचेल को टारगेट किया था, क्योंकि भैया मोइन अली अब कुछ करने लायक नहीं बचे हैं और अम्बाती राजू संन्यास का भी ऐलान कर चुके हैं और आने वाले सीजन में चेन्नई के मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी डैरेन मिचेल के कंधों पर होगी। तो दोस्तों आने वाले सीजन में चार विदेशी खिलाड़ी ही आपको चेन्नई की प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। लेकिन आपके हिसाब से महिषा पाथीराना और मुस्तफिजुर रहमान में से किसे प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, नीचे कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। और हां, जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें ताकि आपको आपकी फेवरेट टीम चेन्नई की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे।